हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, क्या आप लोग भी अच्छे होंगे? और बड़ों को मेरा प्यार, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइज़ आज हम लोग सुबह, अभी ऋषिकेश में दो अभी बज रहे हैं सुबह के, चार बज रहे हैं। तो अभी 3:30 बजे आ गए थे हम लोग, तो अभी 4 बज रहे हैं। तो वो वाली है हमारी बस, तो ये बस हमको मिली है 500 में सीधे वहाँ सोनप्रयाग तक। तो फिर वहाँ से हम लोग को गौरीकुंड जाना होगा, तो 100 रुपीज़ वहाँ से गौरीकुंड का चार्ज लगता है, 100 रुपीज़ वहाँ से गौरीकुंड का चार्ज लगता है। तो फिर वहाँ पे होटल वगैरह देखेंगे, लेना तो पड़ेगा ही होटल, क्योंकि ना हमने आज भी रेस्ट नहीं कराया, आए और हमें होटल ही नहीं मिला। तो हम ऋषिकेश में ऐसे ही बैठे थे स्टेशन में, क्योंकि होटल वगैरह मिला नहीं और अभी बस में ही है। तो अब चलते हैं गाइज, निकलते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। आगे का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग भी इंजॉय करना, और महादेव के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन आप लोगों को भी कराएंगे। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में दोस्तों, मिलते हैं गाइस। ये वाली बस है हमारी, प्राइवेट बस है, वैसे तो ज़्यादातर प्राइवेट बस ही जाती है, तो इस वाली बस में जा रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं गाइस, तो जो संगम था वो मैं नहीं बता पाई है, क्योंकि मैं गाड़ी के इस तरफ को बैठी थी ना, इसलिए तो आने संगम नगर नहीं दिखाई आप लोगों को। और नगरवाल के पहाड़ इतने खतरनाक है ना, क्या बताऊँ मैं, मतलब कुमाऊँ के पहाड़ तो गढ़वाल के गाइस। अभी हम लोग पहुंचे थे श्रीनगर, और श्रीनगर की झील देखो कितनी मस्त लग रही है यार, और सुबह का व्यू भी ना काफी अच्छा आ रहा है। और ये झील ना बहुत लंबी थी, मतलब 5-6 किलोमीटर लंबी थी ये झील। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे निकले गाइस, तो थोड़ा सा आगे निकल के देखो, अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को धारी देवी का मंदिर, जो की बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये भी वहीं पर ही श्रीनगर से थोड़ा सा आगे है। इस जगह का नाम है, नाम तो मुझे उतना अच्छे से पता, और एक धारी माँ का गेट मेन वाला, यहाँ से नीचे को जाते हैं और छोटी सी मार्केट है वहाँ की। और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ को गाइस। तो ये देखो, ये भी वही वाली झील है श्रीनगर वाले, तो आप लोग झील का मजा लीजिए गाइस, और आगे जाके मिलती हूँ आपसे मैं।
की हालत देख सकते हो आप, बिल्कुल ही डाउन हो रखी है, इतनी डाउन ना क्या बताऊं। और अभी ना यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, तो यहाँ से ना बस केदारनाथ जी आप बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, थोड़ा ही बचा है, तो उसके बाद ना अभी हम लोग पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अजीब हो गया है ना बॉडी बिल्कुल यार। और यहाँ ना उतना गर्म भी नहीं है, मतलब मौसम ना काफ़ी अच्छा है दोस्तों, तो आप लोग ना जैकेट वगैरह या फिर हुडी वगैरह वो लेकर ही चलिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अभी तो यहाँ पर उतना नहीं है, बट आगे जाके काफ़ी ठंडा होगा। तो अभी मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं करा, मुझे अजीब सा हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है, तो इसीलिए। तो फिर चलते हैं गाइस केदारनाथ जी, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, तो बने रहे मेरे व्लॉग में। तो गाइस मेरे जस्ट पीछे का रास्ता है केदारनाथ जी के लिए, गाइस यहाँ पे अम्मा से बात करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अगस्त मुनि के लिए, तो ये अगस्त मुनि का मार्केट आ चुका है गाइस, जो कि यहाँ पर भी ये देखो अलकनंदा नदी इतने मजे से बह रही थी, और हम लोग सफर के बहुत अच्छे से मजे ले रहे थे। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे आगे गाइस, तो अभी आगे जाके रोड इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी ना क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि बस पूरी भरी हुई थी और ओवरलोडेड थी गाइस, तो यहाँ की बसें ना काफ़ी ओवरलोडेड ही आती हैं। तो अंकल को देखो पूरे सफर ये खड़े खड़े ही गए, और अंकल थे कंडक्टर बस के गाइस। आधे घंटे से मुक्त रास्ते से आगे इतना गंदा वाला जाने ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना क्या बताऊँ यार, पर हम लोग ना पैदल जा रहे हैं, क्योंकि फिर हमको होटल नहीं मिल पाएगा ना, इसीलिए सुन रहा
बाहर की लोकल मार्केट, तो यहाँ पर जो भी आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें होंगी आपको सारी कुछ मिल जाएगी, जैसे कि रेनकोट, ग्लव्स, कैप और फैन कवर, ये सारी चीज़ें। हाँ ये देखो गाइस, ये है रामपुर, तो आगे चलते हैं। यहाँ से हम जाएंगे टैक्सी में सीधे गौरीकुंड के लिए और वहीं लेंगे हम लोग फोटो। मैं गई थी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, तो उत्तराखंड वाले ना बिना रजिस्ट्रेशन के भी जा सकते हैं और अदर स्टेट वालों को ना केदारनाथ आया सिटी से करके ऐप है उसमें भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, कर सकते हैं आप लोग या फिर यहाँ पर आके भी कर सकते हैं। तो उत्तराखंड वालों को फ्री का तो हमने नहीं कराया गाइस, तो कोई अदर स्टेट से आ रहा है तो वो करवा ले रजिस्ट्रेशन। तो याली नदी है, अलकनंदा नदी है, तो ये केदारनाथ गौरीकुंड से आती आ रही है, देख सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा सुंदर, इतना अच्छा पीस लग रहा है, मैं क्या ही बताऊँ यार, कुछ मज़ा आ रहा है। चलते हैं गाइस आगे, और गौरीकुंड की जा रही है फिर उसके बाद आप सुनते हैं। जा रही हूँ गौरीकुंड के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए, तो ये पुल है रास्ते में, तो जैसे सामने पे गाड़ी मिल गई, तो चलते हैं गाइस। अब मैं पहुँच चुकी हूँ गौरीकुंड में, तो यहीं से है ट्रैक 24 किलोमीटर का पैदल, तो गाइस अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे होटल, उसके बाद फिर चलेंगे। सो गाइस अपना मंजिल के काफ़ी ज़्यादा करीब थे, तो हम लोग पहुँच गए थे गौरीकुंड और यहाँ पर हमको बस एक होटल ढूंढना था और उसके बाद देखो अब इतना थक चुकी हूँ यार मैं, अब जाएंगे होटल ढूंढेंगे, उसके बाद कल सुबह निकलेंगे हम लोग केदारनाथ जी के ट्रैक के लिए। तो गाइस बने रहिए मेरे व्लॉग में, मिलते हैं गाइस। यहाँ पर यात्रा करने आते हैं और इतनी गंदगी देखो, पूरा पूरा कचरा यार नदी में, तो यार जो भी यहाँ पर आ रहे थे तो अपना कूड़ा अपनी जेब में डाल के लाए, अगर इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं तो यार गंदगी ना फैलाए और ऐसा कूड़ा ना फैलाए।